नमस्कार, आप देख रहे हैं GTN24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है संभल से, जहां धार्मिक बयानबाजी के बाद कानपुर में हुई घटना को लेकर जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। डीएम एसपी ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक आयोजित कर एक ज्ञापन उलेमाओं से लिया। वहीं उन्होंने कस्बे में गश्त करते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। फिर होता क्या है कि आप तो जायज काम के लिए गए, आपके साथ में चार लोग बदमाश लोग शामिल हो गए, भीड़ में कौन पता चलता है कौन आया और उसमें किसी ने गड़बड़ कर दिया। आप तो कह के गए थे कि हम तो बाजार बंद करने वाले। जिला अधिकारी ने और पुलिस अधीक्षक ने मीटिंग ली, आपकी समझ क्या कहना चाहेंगे सर? आज मीटिंग का मकसद डीएम महोदय को और कप्तान संभल को मेमोरेंडम देना और FIR कराने का मकसद से हम लोग यहाँ हाजिर हुए। डीएम साहब ने मेमोरेंडम दिया और एसपी संभल ने हमारी FIR को भी कबूल कर लिया। अब हम संभल के आवाम से और जिला संभल की आवाम से यही गुजारिश करते हैं कि आपके जज्बात की कदर करते हुए हमने आपके जज्बात को जिलाधिकारी के सामने पेश कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी की मांग भी कर दी है। अब आप लोग कल को नमाज जुमा अदा करके अपने अपने घरों पर चले जाएं, न किसी तरह का बंद रखें, न कोई एहतजाज करें, बल्कि जो एहतजाज आपको करना था वो आज संभल के तमाम उलमा ने मिलकर जिलाधिकारी को आपके जज्बात को मेमोरेंडम में पेश कर दिया है। अल्लाह तबारक व ताला इस मुल्क की सलामती रखे, इस मुल्क में भाईचारा कायम रखे और आपको मजीद तरक्की दे। कल शुक्रवार को सामुदायिक रूप से जो संवेदनशील जगह हैं उन पे आज पुलिस के द्वारा पूरे फोर्स के साथ में रूट मार्च किया गया है। साथ में पुलिस की साथ में जो PAC बाहर से आई है और जो यहाँ हमारे यहाँ की सिविल पुलिस है उसके द्वारा राइट कंट्रोल ड्रिल का आज मॉक ड्रिल की गई है। पूरे संभल में हम लोगों ने लगातार जो धर्मगुरु हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया गया है और किसी भी प्रकार की कोई घटना अगर कोई करने की कोशिश की जा करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संभल जनपद की पुलिस पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद। धन्यवाद। आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां सिलीगुड़ी शहर के कंचनजंगा स्टेडियम में वर्ष का प्रथम श्रेणी फुटबॉल टूर्नामेंट 12 जून से कंचनजंगा स्टेडियम में होने जा रहा है। सचिव कुंतल बाबू ने कहा कि इस बार प्रथम श्रेणी के सभी खेल स्टेडियम में खेले जाएंगे और प्रत्येक खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। आगामी দিনে আমার ওয়ার্কিং পেশেন্ট ওয়াইন্ড আপ করবে এটা নিয়ে শুধু একটা স্যার আপনাদেরকে বলে রাখছি যে লাস্ট এক্সিকিউটিভ মিটিংয়ে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আপনারা দেখেছেন যে আমরা একটা প্রদর্শনী ম্যাচ করেছিলাম মহিলাদের নিয়ে সেপ্টেম্বর, ইন দ্য মান্থ অফ সেপ্টেম্বর, ফার্স্ট উইক অফ সেপ্টেম্বর অর সেকেন্ড উইক অফ সেপ্টেম্বর মধ্যে আমরা শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ি আশেপাশে বেশ কিছু এলাকায় যে সমস্ত মহিলা ফুটবলাররা আছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা শিলিগুড়িতে প্রথম একটা মহিলাদের একটা টুর্নামেন্ট আমরা করবো। ওকে, আচ্ছা, আমাদের মধ্যে এখন এসে পৌঁছেছেন টুর্নামেন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আমাদের 12 তারিখ থেকে শুরু হবে এবং এই খেলা আমাদের ক্রীড়া পরিষদ থেকে সমস্ত ক্লাবগুলোকে কোভিড মহামারীর পর যেভাবে উৎসাহ দেখিয়েছে আমরা আশা করছি খেলা সুন্দর খেলা হবে এবং আমাদের গ্রাউন্ড লেবাররা এবং যারা মাঠ তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা ভালো মাঠ এক শুধু আছে, স্টেডিয়ামের কিছু অবস্থা ভালো না কিন্তু মাঠের অবস্থা ভালো, তাই আমরা দর্শকদের অনুরোধ করব আপনারা মাঠে আসুন, খেলা দেখুন এবং উন্নত। खबर आ रही है अयोध्या से, जहां धाम में आने वाले दर्शनार्थियों से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर जनपदीय महिला गैंग के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसका खुलासा पुलिस लाइन सभागार में SSP शैलेश पांडे ने किया है। SSP ने बताया कि सभी अभियुक्तों को अयोध्या की कटरा चौकी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना राम जन्मभूमि पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए 8 सदस्यीय एक गैंग पकड़ा गया है जो मुख्यतः महिलाओं का गैंग है। इसमें 7 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। ये सभी जनपद हुगली वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इनके द्वारा
धार्मिक स्थलों पर रुक के वहाँ पे चोरी, चेन स्नैचिंग इत्यादि की घटनाएं, गाड़ी तोड़कर शीशा, गाड़ी का शीशा तोड़कर इसमें से बैग कैश इत्यादि चोरी कर लेने की घटनाएं की जाती रही हैं। उनमें 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। हमारे यहाँ एक घटना हुई थी जहाँ एक गाड़ी का शीशा तोड़ के बैग उन्होंने निकाला था, उसी की छानबीन चल रही थी और इस घटना का अनावरण हुआ और ये गैंग पकड़ा गया है। इनके कुछ और सदस्यों के नाम सामने आए हैं, उन पर हमारी टीम काम कर रही है। इनके बारे में जो अब तक पता चला है, ये धार्मिक स्थलों को और जहाँ पे मेले आयोजित होते हैं देश के कोने कोने में, उन सब जगहों को टारगेट करते हैं, भीड़ का फ़ायदा उठा के बड़े सफाई से ये चेन स्नैचिंग या पर्स स्नैचिंग या देर तक रही गाड़ी का शीशा तोड़ के बैग निकाल लेना, इस तरह की घटनाएँ कारित करते हैं। इनकी गैंग लीडर जो ललिता मुदलियार हैं, जो जनपद हुगली वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके पूछताछ में अन्य शातिर अपराधियों के नाम आए हैं जो इनके गैंग से जुड़े हैं, जो इस तरह के अपराधी करते हैं। इनके पास से कैश, ज्वेलरी और इसके अलावा 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन सारे पहलुओं पे जांच चल रही है। पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस तरह के इन गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों को भी हम गिरफ्तार करेंगे तथा बरामदगी सुनिश्चित कराएंगे। अक्सर ये होता है कि उनको दलदल ठोकरें खानी पड़ती हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी कभी कभार ऐसी चीज ऐसा होता है कि कटकटा के बहुत थोड़ा सा परसेंटेज लाभ मिल जाता है। फुल जो लाभ होता है वो कहीं ना कहीं समय के साथ और एक इन योजनाएं आखिरी स्तर तक जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं, उनका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है उसके बारे में आपसे लगातार फीडबैक मिलता रहे और आपसे मेरी वार्ता लगातार होती रहे। आप जब भी कोई भी समस्या लेके आए आपका स्वागत रहेगा यहाँ पे, मुझे बतौर फीडबैक मिलता रहेगा हमारे कार्य को लेके, प्रशासन की क्या छवि है उसको लेकर। योजनाएं आखिरी स्तर तक जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं, उनका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है उसके बारे में आपसे लगातार फीडबैक मिलता रहे और आपसे मेरी वार्ता लगातार होती रहे। आप जब भी कोई भी समस्या लेके आए आपका स्वागत रहेगा यहाँ पे, हम पूरी गंभीरता से उन शिकायतों को लेंगे। हमारा एक प्रयास रहेगा कि इस अनुभव को अच्छा बनाएं। इस अनुभव के अलग अलग पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो है कि ट्रांसपेरेंसी रहे प्रशासन की तरफ से, कैसे योजनाओं में किन लोगों का चयन होता है इस पे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इसके अलावा इनका जो क्रियान्वयन है उसमें किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जब चार्ज लेने के बाद निश्चित रूप से जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उन पर जरूर फोकस रहेगा। अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है कोविड महामारी से हम जूझे हैं, तो ज़रूरी है कि हम उस पर अभी ध्यान दें और उसमें कोई लापरवाही फसफोक ना रहे। नमस्कार, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में उपस्थित हूँ, जहाँ पर जेठ दशहरे का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और जहाँ पर 3 दिन से लगातार हापुड़ शासन प्रशासन ने दिन रात मेहनत कर माँ गंगा के भक्तों के लिए या श्रद्धालु कहें उनके लिए एक किया। यहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी समय से 30 तिमार के उपलक्ष्य पर जाम की स्थिति बनती थी जिसके अंदर प्रशासन परेशान होता था, लेकिन इस वर्ष जो हुआ है एक रिकॉर्ड तोड़ा है हापुड़ पुलिस प्रशासन ने और ट्रैफिक पुलिस ने दिन रात मेहनत कर जाम की स्थिति नहीं बनने दी। आइए हमारे साथ श्रद्धालु हैं एक, इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है सर? हरेंद्र शर्मा। सर आप यहाँ कब से आते हैं माँ गंगा घाट पर? समथिंग 20 वर्ष से।
तो सर जी आपने देखा है क्या हर एक वर्ष इतनी सुविधा मिलती थी या सुविधा कोई ऐसा कोई समस्या है जो प्रशासन की नज़रों में ना हो श्रद्धालुओं को देखते हुए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसा बताया जा रहा है शासन प्रशासन का बहुत सतर्क है, बहुत अच्छा है, कार्य हो रहा है, किसी तरीके की किसी भी श्रद्धालु का किसी माता बहन को कोई दिक्कतें नहीं आ रही है और शासन प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। मुझे लग रहा है मैं 3 दिन से यहाँ पे आया हूँ, बराबर यहाँ पर शासन प्रशासन बिल्कुल अलर्ट तरीके से कार्य कर रहा है, जिसमें जितनी तारीफ की जाए शासन प्रशासन की बहुत ही अच्छा, मतलब काबिल तारीफ के। जैसा बताया जाता है कि हर एक वर्ष जो यहाँ पर तीर्थनगरी में गंगा स्नान होता है कि टोल टैक्स पर काफ़ी लंबा जाम लगता है, क्या इस वर्ष जाम का कोई उम्मीद है या जाम लगा है यहाँ पर? अब की बार यहाँ पर जाम की सुविधा नहीं है, जैसे बताते हैं लोगों को वहाँ पर जाम मिलेगा, लेकिन अब के शुरू से 3 दिन से लगातार देखना और मैं अभी भी आया हूँ, ऐसी कोई जाम की कोई स्थिति नहीं है, दूर दूर तक देखने के लिए नहीं है। बताया जा रहा है कि हापुड़ जो हमारे हापुड़ के SP हैं दीपक भूकर और जिला अधिकारी महोदय मेघा रूपम जी यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रही हैं और मेरठ से भी यहाँ पर आला अधिकारी आए हैं देखने के लिए, क्या उनके आदेशों का पालन कर रहा है हापुड़ शासन प्रशासन? बिल्कुल कर रहा है, पूरा प्रशासन पूरा इस तरीके से अलर्ट है, उसकी काबिलियत तारीफ का मतलब कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल भी जरा सी भी लापरवाही शासन प्रशासन की, जैसा बताया जाए अगर देखा जाए तो हापुड़ जनपद की पुलिस का बहुत ही काफ़ी सराहनीय कार्य बताया जाएगा। ये जो माँ गंगा के भक्त हरेंद्र शर्मा जी ने बताया वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखा गया है यहाँ पर कि आए वर्ष यहाँ पर जाम की स्थिति से परेशान होते थे भगत और सड़क पर परेशान ट्रैफिक को लेकर, मगर इस वर्ष जो है कम से कम भी 40-45 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा गया है प्रशासन के द्वारा, दिन रात मेहनत की गई है, जहाँ पर 11 पार्किंग बनाई गई हैं और महिला CO जो हैं ट्रैफिक CO सुवीति सिंह और यातायात प्रभारी मनु चौधरी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल निभाया है प्रशासन के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नरेश कुमार है जी। नरेश कुमार जी आप यहाँ पे कितने दिन से कार्य कर रहे हैं, आपको चेट के दशहरे को लेकर ब्रजघाट तीर्थनगरी में कैसा महसूस लग रहा है? महसूस बहुत बढ़िया लग रहा है जी। शासन प्रशासन की कोई कमी है, कोई लापरवाही नजर आ रही है? प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। किसी श्रद्धालु की ज्यादा भीड़ या कम है? 19-20 तो रहता ही है, फिर भी आपका क्या कहना? बढ़िया भी हाँ जी। जैसे श्रद्धालु दूर दराज से आए हुए हैं, प्रशासन की इसकी जाम की स्थिति को देखते हुए श्रद्धालु की फिर से क्या रुचि है? प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मेरा राधे श्याम, पंडित राधे श्याम जी, आज यहाँ पर मेला लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज प्रशासन कैसा कार्य कर रहा है? प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर से यात्री आज नहाने के लिए आते हैं, माना हुआ ये स्थान है गढ़मुक्तेश्वर का, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे और जो माता बहनें आती हैं, माता बहनों को किसी तरीके को नहीं, माता बहनें बहुत आती है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ, माता बहनों को कोई परेशानी नहीं है नहाने के लिए, पुलिस बहुत है यहाँ, पुलिस का बहुत प्रबंध है यहाँ पे, और पुलिस यहाँ के लिए सब जनता के लिए बहुत अच्छी पुलिस करती है, कार्य करती है, और सब प्रबंध है यहाँ सरकारी, सोना सिंह चेयरमैन है और उनका भी बहुत बड़ा यहाँ सहयोग है। पायल त्यागी है और मैं मेरठ शहर से आई हूँ। तो आज यहाँ पर क्यों पहुँचे और क्या पर्व है आज? आज गंगा दशहरा का पर्व है और मेरे बेटे का आज यहाँ पर मुंडन था, हमारे घर में हमेशा गंगा दशहरा वाले दिन ही मुंडन हुआ करते हैं गंगा जी के पास, तो इसलिए मैं अपने बेटे का आज मुंडन कराने के लिए आई हुई हूँ। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हमें तो लगता है जैसे हमने होश संभाला है, हम तो यहाँ पे आते ही आते हैं। कितना बदलाव आप यहाँ पर देख रहे हैं? पहले से तो यहाँ पर काफ़ी बदलाव है, अब आप देख आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर चेंजिंग रूम वगैरह हैं और आपकी पुलिस प्रशासन भी काफ़ी अच्छी है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और मतलब काफ़ी चीज़ें सब चीज़ चेंज हो चुकी है अब तो। है कानपुर से, जहां कल्याणपुर पुलिस 3 वाहन चोरों को पकड़ उनके कब्जे से चोरी की 7 बाइकें बरामद कर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन लखनपुर में बैंक के बाहर से शराब ठेके के मैनेजर की 4 लाख नकदी समेत चोरी हुई बाइक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस संबंध में पुलिस पकड़े गए वाहन चोरों से पूछताछ कर रही है और मामले का खुलासा करने की जल्द ही बात कह रही है। देखिए हमारे थाना कल्याणपुर क्षेत्र में बिटोर तिराहा के यहाँ कास मुखबिर की सूचना पर हमारे कल्याणपुर की टीम ने बड़ी सफलता पाई है। इन्होंने 3 शातिर बाइक चोरों को पकड़ा है, ये शातिर अपराधी है, इनके ऊपर 3 लोग हैं, शान आलम पुत्र आजिम ये निवासी उन्नाव के हैं, रेहान पुत्र स्वर्गीय लाइक ये भी उन्नाव के हैं, और अफजल पुत्र छोटे ये कन्नौज के हैं। तीनों शातिर अपराधी हैं,
जो शान आलम के ऊपर 11 मुकदमे हैं, रेहान के ऊपर 10 और छोटे के ऊपर 4 मुकदमे हैं। इनसे मौके पर हमने 2 बाइक बरामद की है बिटोर तिराह से, फिर कनौज से जहाँ पे इन्होंने कड़ा किया 5 बाइक बरामद हो गई है, और 2 स्थान हमें मिल गया है, एक इलाहाबाद में एक जगह पे कड़ा किया है और उन्नाव में उनके लिए भी टीम गया है, वो भी हम बरामद कर लेंगे। और देखिए इनका ये सक्रिय है अपने कनौज में, उन्नाव में, कानपुर नगर में, और पूछताछ अभी भी चल रही है। और ये बहुत ही मतलब इनके आपराधिक इतिहास भी अगर हम देखेंगे तो करीब 3 साल से सक्रिय हैं, और पूछताछ ये भी पता चला कि ये उससे पहले 1 साल से भी कर रहे थे, तो और भी पूछताछ चलेगी और जो भी तथ्य निकलेंगे आपको अवगत कराया जाएगा। और आगे ये तीनों रिलेशन के हैं क्या? नहीं, फिलहाल पूछताछ में चल रही है, अभी ऐसा कुछ हमें तो प्रतीत नहीं हुआ कि ये रिलेशन में कुछ है, तो अगर कुछ पता चलेगा तो आपको अवगत कराएंगे।